आगे करी जादो दुनिया जादो 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 दुनिया जादो जादो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलामु अलैकुम। जागो दुनिया में फारूक हसन और मलिया आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। एक नया हफ्ता, एक नया दिन और एक नई सुबह के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि आपका ये पूरा हफ्ता, आपका आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। हमारे मेहमान से हम मेहमान तो नहीं, आप तो हम मेजबान ही हैं। हमारे गनी साहब सलमान साहब, क्या हाल है आपके? सलमान गनी साहब जी चीफ रिपोर्टर नवाए वक्त के हैं, हमारे तजिया नगार हैं। लोड शेडिंग और गर्मी एक साथ, और ऊपर से वज़ीर आज़म साहब ने मुल्तान में एक बयान दिया कि जी मुझे एहसास है, महंगाई का भी है और ये बिजली की लोड शेडिंग का भी है, और बहुत जल्द आवाम को रिलीफ हम देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक सियासी बयान था या ये एक प्रैक्टिकल सा बयान था? देखिए, वज़ीर आज़म साहब अपने इंतखाबी हलका में मौजूद थे जी, और जब भी वो आवाम से मुखातब होंगे तो आवाम का एहसास तो करना पड़ेगा। लेकिन अभी मलिहा जो बात कर रही थी, इसमें कोई शक नहीं कि हम इस वक्त मसाइल की आग में जल रहे हैं। लोड शेडिंग का मसला आप तो लाहौर के हवाले से कह रही थी कि एक घंटे के बाद एक घंटे बिजली आती है, एक घंटा चली जाती है। इसी पंजाब के अंदर 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, और ये लोड शेडिंग सिर्फ घरेलू नहीं बल्कि आपका सारा सनती अमल तबाह होकर रह जाएगा। और बात यह है कि लोड शेडिंग बेरोजगारी को जन्म देती है, लोड शेडिंग से महंगाई में इजाफा होगा। और इस हकूमत ने, आपको बहुत बेहतर पता है कि पाकिस्तान के पापड़ा के वजीर राजा परवेज अशरफ ने इस हुकूमत बनने के बाद कहा था 31 दिसंबर तक लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, और अब वो फिर कह रहे हैं जी। देखें, प्लानिंग और इकदाम नहीं है, लेकिन फिर कह रहे हैं कि जी अगले साल खत्म हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी इसीलिए मुतासर हुई है, और आप भी इसीलिए पूछ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के ये कहने से आपको यकीन है कि ये करेंगे। वो कहा जाता है ना कि एहसास मर ना जाए तो इंसान के लिए काफ़ी है एक राह की ठोकर लगी हुई। बात यह कि एहसास तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को अगर एहसास हो तो यहाँ तक नौबत ही ना पहुँचती। आज इस महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, जहालत, पसमानदगी की एक आग है जिसे हमें फेस करना पड़ रहा है, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास वक्त बहुत कम है। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस एम कृष्णा की मैंने आपको स्टेटमेंट बताई, उन्होंने कहा जी आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद इंडो पाक डायलॉग, और मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था फायरवर्क्स को, ये ओवरनाइट कुछ चेंजेस नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है एक चल। क्या कहते हैं आप, ये क्या इसी तरह डायलॉग्स होते रहेंगे? इंडिया आलमी बरादरी को हमेशा मुखातिब करता है, वो अपना एक इलाकाई रोल चाहता है। अमेरिका ने अपना वजन हमेशा इंडिया के पलड़े में डाला है। बात यह कि वो जो इंडो पाक मुजाकरात हैं, जब तक मुजाकरात बुनियादी तनाजात पर नहीं होंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। कि वो सऊदी अरब गए थे, उनके प्राइम मिनिस्टर साहब वहां जाके उन्होंने कुछ और बयान दिया कि हम तमाम तनाजात पर बात करेंगे। देखें, इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की कुंजी जो है वो मसला कश्मीर के हल के साथ मशरूत है। मसला कश्मीर हल नहीं होगा, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कभी भी तजारत और सकाफत की बुनियाद पर कायम नहीं हो सकते। सही सही, और इसी के साथ ही वो जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है जो जिसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन आर्मी चीफ हमारे जा चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर आज सुबह गए हैं, आप कुरैशी साहब भी परसों मुज़ाकरात हैं, हाँ जी शाह महमूद कुरैशी भी चले गए, परसों मुज़ाकरात हैं, आप इसमें कोई अच्छी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देख रहे हैं? देखिए, बात यह जी कि बहुत अहम मरला है, इसमें पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत वहाँ पर मौजूद है। अमरीका का इस खत्ते में अपने रोल को बढ़ाने के लिए, देखें आपको याद होगा 3 दिन पहले हमारे वजीर खारजा ने कहा था कि हम अमेरिका से डू मोर का तकाजा करेंगे। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये अमेरिका की अफगान पॉलिसी के लिए, अमेरिका को पहले 2 मरले जो हैं वहाँ अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है। लेकिन गनी साहब, एक स्टेटमेंट आया, एक रिपोर्ट आई है एक बरतानवी न्यूज़पेपर में, और उन्होंने ये कहा है कि ईरान जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान को तरबियत दे रहा है, एक ऐसे वक्त पे जबकि ये कॉन्फ्रेंस परसों मुनक्किद होने वाली है। इस स्टेटमेंट को इस वक्त जारी करना या इस रिपोर्ट को इस वक्त जारी करना, ये क्या माने रखता है? देखिए, खित्ते के अंदर ईरान की सूरत हाल आपको बहुत बेहतर पता है। ईरान वो वाहद मुल्क है जो अमेरिका के सामने खड़ा है, जिसने ना उसकी डिक्टेशन तस्लीम की है और ना उनका प्रेशर बर्दाश्त कर रहा है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर सिर्फ अमेरिका है, जबकि अमेरिका की पार्टनर सारी दुनिया है, सारी दुनिया। और आपकी अस्करी और सियासी क़यादत वहाँ मौजूद है। मैं समझता हूँ, देखें
अमेरिका की वजह से हमने बड़ा नुकसान बर्दाश्त किया है। आज पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर है, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकी डिक्टेशन का रद्द अमल है ये सारा कुछ। और मैं समझता हूँ कि इन्हें चाहिए कि ये जाके जुर्रत से बात करें। बिल्कुल, हम सिर्फ डॉलर्स के लिए अपने मफादात को पामाल ना करें, बल्कि देखें ये सारा कुछ हो रहा है अमेरिका की अफगान पॉलिसी के लिए। इन्होंने जाके अफगान फौज को ट्रेन करना है, किसने करना है, क्यों कर करना है, मकासद क्या है, ये बातें ढकी छुपी नहीं है। और क्या ही अच्छा होता कि आप एक अहम मरले में जा रहे हैं, 10 मुख्तलिफ शोबा जात पे आपको बात करनी है, तो आपका असम्बली का इजलास भी हो रहा था, उसे भी इत्माद में ले लिया जाता। क्योंकि आप अभी बात कर रहे थे कि लोगों को अगर इत्माद में ले, कन्फ्यूजन कब पैदा होती है, उस वक्त जब आपके लोग कुछ और सोच रहे हों और हुकूमत कुछ और सोच रही हो। मैं समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग हैं पाकिस्तान के हवाले से और ख़ुद अमेरिका के मफादात के हवाले से बहुत अहम है, हमें इसमें स्टैंड करना चाहिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहाँ मौजूद हैं, आर्मी का रोल अफगानिस्तान के हवाले से बहुत अहम है, और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 2-3 माह में हमारी खारजा पॉलिसी खसूसन अफगानिस्तान के तनाजर में फ़ौज का रोल और बढ़ा है। फौज ने बाजोड़, सवात, शमाली वजीरस्तान, इसमें रिजल्ट्स दिए हैं। अब वो मजीद रिजल्ट्स की तवक्को कर रहे हैं और वो अफगानिस्तान के अंदर है। मैं समझता हूँ कि हमारी कुछ अपनी लिमिटेशन है पाकिस्तान की, ये वो बॉर्डर था जो हर हवाले से सेफ था, और कायद आजम ने कहा था कि हमें वहां पर कोई जवान खड़ा करने की जरूरत नहीं है। हमने वो आग खुद अफगानिस्तान से अपनी तरफ ले आए हैं। मैं समझता हूँ हमें अपनी सरहदों को भी महफूज बनाना है, हमने अपने कौमी मफादात को भी महफूज बनाना है, और अपनी खारजा पॉलिसी को भी आज़ाद और खुद मुख्तार। आज दुनिया क्या कहती है में हमारा सवाल है, क्या अमरीका से मुज़ाकरात की बुनियाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के जल्द खात्मे और पाकिस्तानी अवाम के मसाइल के फौरी हल पर होनी चाहिए, हाँ या नहीं? आप अपना ओपिनियन रजिस्टर करा सकते हैं हमें, आप ईमेल कीजिए jago@duniatv.tv पर। इसके अलावा आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं 6622 पर, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.dunianews.tv। गनी साहब, ये कराची में बलदियाती इंतखाबात जो हैं वो 1.5 महीना मजीद डिले हो गए हैं, 45 दिन और देर से होंगे, गवर्नर ने दस्तखत भी कर दिए हैं रहमान मलिक की। वो बल्कि हमारे ही चैनल पर जो शह सुर्खी चल रही थी वो ये थी कि रहमान मलिक की एक दिन की मेहनत रंग ले आई और ये इस तरह से हो गया। देखें, आपको याद होगा मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि बलदियाती इंतखाबात नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि इन्होंने एक बना बनाया सिस्टम, चूंकि वो जनरल मुशर्रफ का सिस्टम था और इनके पास मुतबादल सिस्टम मौजूद नहीं था, ये उस हवाले से कंफ्यूज हैं। मैं समझता हूँ कि बलदियाती इदारों का तसलसल हमेशा जमहूरियत को मजबूत करता है दुनिया के अंदर, ग्रास रूट लेवल, दुनिया के अंदर आम आदमी की हालतजार में बेहतरी के लिए यही इदारे जो है अपना मेन रोल अदा करते हैं। और हमारा सियासी बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान में 3 फौजी डिक्टेटर्स ने इन अदारों के इलेक्शन करवाए, जबकि खुद पीपल्स पार्टी ने, आप देख लें पाकिस्तान की हिस्ट्री में पीपल्स पार्टी ने कभी ये इलेक्शन नहीं करवाए। मैं समझता हूँ कि अभी भी इस हवाले से ये कन्फ्यूजन से दो चार हैं, इनके पास मुतबादल सिस्टम मौजूद नहीं है। नहीं तो इसका नुकसान क्या है सर, क्यों नहीं कराए, क्या मतलब पॉलिटिकल गवर्नमेंट को क्या खतरा है? कराची की बात कर रहे हैं तो कराची में 2 पार्टीज हैं, जो MQM है वो तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम की हामी थी, ठीक है, पीपल्स पार्टी के इसके हवाले से शदीद रिजर्वेशन थे, पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शदीद रिजर्वेशन थी, काफ लीग उसकी हामी थी चूंकि नाजमीन उनके थे। मैं समझता हूँ कि ये जो सिस्टम है ये सियासी जमातों की आरा के साथ मशरूत नहीं होना चाहिए, ये एक जमहूरियत एक मुसलसल अमल का नाम है, और ख़ास तौर पे ये जो बलदियाती सिस्टम है इसका जो तसलसल है खुद इलाकाई सूरत हाल के हवाले से, आवाम के मसाइल के हवाले से, आवाम की मुश्किलात के हवाले से ये बड़ा अहम है। थैंक यू वेरी मच, आपसे इंशाल्लाह इसी हफ्ते में मुलाकात होगी। इस वक्त लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। Oh,